हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट ग्लैम अप क्वीन। सो गाइस, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी DIY इंस्टेंट वाइटनिंग ब्राइटनिंग रेमेडी, जिसकी हेल्प से आप अपनी स्किन को वाइटन ब्राइटन बना सकते हैं, ग्लोइंग बना सकते हैं और स्पॉटलेस बना सकते हैं। इस रेमेडी को बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इसमें मैंने जितने भी इन्ग्रीडियंट्स यूज़ किए, यानी जो मैंने इसमें इस पैक को बनाने के लिए चीज़ें यूज़ की हैं, वो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और इफेक्टिव है, ईजिली आपको आपकी किचन में मिल जाएंगी। और गाइस, पार्लर जाकर महंगे महंगे फेशियल कराने के बजाय अगर आप किचन के ही सामान से उतना ही ग्लो ला सकते हैं, तो आप इस पैक को ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है आपकी स्किन के लिए। तो अब बात करते हैं कि इसे बनाना किस तरीके से। इसको बनाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एक क्लीन बोल लेना है, जिसमें आपको 2 चम्मच राइस फ्लावर ऐड करना है, यानी चावल का आटा। चावल का आटा स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आपकी स्किन में दाग धब्बे, झाइयाँ, अगर झुर्रियाँ हो गई है, एजिंग की प्रॉब्लम हो गई है और आपके फेस पर कोई निखार नहीं है, ग्लो नहीं है, तो चावल का आटा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आपकी स्किन को डीपली क्लीन करेगा, स्किन को ग्लोइंग बनाएगा। उसके बाद अगली चीज़ जो मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ, वो है 1 चम्मच गेहूं का आटा, यानी 1 टीस्पून व्हीट फ्लार। गेहूं का आटा सबके घर में होता है और ये फेस पर ग्लो लाने के लिए बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है आपके फेस के लिए, आपकी स्किन को स्पॉटलेस बनाएगा। उसके बाद अगली चीज़ जो मैं इसमें ऐड करूँ, वो है 2 चम्मच रोज़ वाटर। अगर आपके पास रोज़ वाटर नहीं है, तो कच्चा दूध तो सबके घर में होता ही है, तो आप 2 चम्मच इसमें कच्चा दूध ले लीजिए। कच्चा दूध स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और आप इसमें रोज़ वाटर ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 से 2.5 चम्मच रॉ मिल्क भी ऐड कर रही हूँ। रॉ मिल्क बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, स्किन को डीपली क्लीन करेगा। अगर आपकी स्किन में कोई शाइन नहीं है, स्किन बहुत ज़्यादा डल फील कर रही है, तो कच्चा दूध बेस्ट है। इसमें जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती है, वो स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं, तो आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो मेरा जो पैक है वो थोड़ा सा थिक हो गया, तो मैं इसमें 2 से 3 चम्मच रॉ मिल्क यानी कच्चा दूध और डाल रही हूँ और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, इस तरीके से आपको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि सारी चीज़ें एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो जाए। तो देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया और आप देख सकते हैं कि इस पैक में कोई लम्स नहीं रहे। आपको ध्यान रखना है कि इसमें कोई लम्स ना रहें और बहुत ही स्मूथ पैक तैयार हो जाए। और आपको ध्यान रखना है कि आपको इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इसी तरीके की रखनी है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए और ना ज़्यादा रनी होनी चाहिए। अब आप बात करते हैं कि इसे यूज़ किस तरीके से करना है। यूज़ करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। यूज़ करने से पहले अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिए, ताकि आपके फेस पे जो भी डस्ट है, डर्ट है, रिमूव हो जाए। और उसके बाद आपको स्मूथली मसाज करते हुए इसे अपने फेस पर अप्लाई कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से आपको बहुत ही स्मूथली मसाज करनी है, अपने फेस को बिल्कुल ज़ोर ज़ोर से नहीं रगड़ना है। ज़ोर ज़ोर से रगड़ोगे तो इससे क्या होगा कि आपकी स्किन पर हार्म हो सकता है, स्किन पर दाग धब्बे हो सकते हैं और ज़्यादा पिंपल्स निकल सकते हैं। तो आपको बहुत ही स्मूथली मसाज करनी है, देखिए इस तरीके से। और उसके बाद आप इसको सूखने के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद नॉर्मल वाटर से अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिए। इस पैक को आप अपने फेस के साथ साथ अपने नेक पर, अपने हैंड्स पर, जहाँ पर भी आपको लगता है कि टैनिंग हो गई है, बहुत ज़्यादा डार्क फील कर रही है स्किन, तो वहाँ पर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने हैंड्स पर भी अप्लाई करके दिखा रही हूँ और आप जो देखेंगे कि इसके पहली बार में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप इसे रेगुलर यूज़ करोगे तो धीरे धीरे स्किन की सारी प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाएगी। बट गाइस, पहली बार यूज़ करती है आपके फेस से दाग धब्बे दूर हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। पार्लर जाकर भी अगर आप फेशियल कराएंगे या फिर मार्केट की क्रीम यूज़ करोगे, तो एक दिन में आपको रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो कोई भी चीज़ अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो आपको डेली यूज़ करनी पड़ेगी, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आप इस पैक को अगर आप डेली यूज़ नहीं कर पा रहे, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप इसे वीक में 3 बार भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बहुत ही अमेजिंग पैक है। जितने भी मैंने चीज़ें यूज़ किया, वो इजीली आपको आपके किचन में मिल जाएगी और किचन के ही सामान से आप अपने फेस पर जो ग्लो ला सकते हैं, वो देखने लायक होगा। सब लोग देखेंगे कि आपके फेस पर कितना ज़्यादा निखार आ गया, स्किन कितनी ज़्यादा ग्लोइंग और स्पॉटलेस हो गई है। तो गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपको अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।